हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स DIY विद केतकी। रिक्वेस्ट करूंगी अगर वीडियो पसंद आए तो पक्के से सब्सक्राइब कर देना और वो जो नोटिफिकेशन की बेल है उसे भी प्रेस कर देना। तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कोई भी कबाड़ से आपके लिए बहुत कुछ सुंदर सुंदर आइडियाज़ बनाऊँ। तो वैसे ही यहाँ हमेशा जैसे मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड और उसके रफ एजेस को छुपाने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो ये मास्किंग टेप को आपको लगाना है और पूरे चारों साइड से आप लगाइए ताकि उसके सारे क्लीन एजेस आपको मिले। अब यहाँ पे मैंने इट्सी बिट्सी का ये सिलिकॉन ग्लू लिया है और उसको लगा के मैं इस जो हमारा कार्डबोर्ड है उसे आउटलाइन दे दूँगी। तो किसका दे रही हूँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्क्यूअर्स का। आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हो या न्यूज़पेपर का भी रोल बना के ले सकते हो। क्या है, मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पुराना मार्बल पाउडर से बनाया हुआ ये कोन। तो कुछ नहीं, मार्बल पाउडर और इक्वल अमाउंट में आपको व्हाइट ग्लू या फेविकॉल डालना है और एक बहुत ही सुंदर सा ये 3D कोन आपका बन जाएगा। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ लीव्स ड्रॉ किए, छोटे छोटे से दो दो पत्तियों वाले एक पैटर्न बनाया है और मैं इस मार्बल पाउडर के कोन को ही यूज़ कर रही हूँ और वहाँ पर उसे अच्छे से यहाँ पर एक थोड़ा सा एम्बॉसिंग इफेक्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे घर का ही बना हुआ 3D कोन आउटलाइनर लिया और उसे एक सुंदर सा ये पैटर्न बना दिया है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना, ये जैसे कि एम्ब्रॉयडरी होती है कुछ उसी टाइप से। इसे अच्छे से सूखने देंगे 2 से 3 घंटा और उसके बाद में आप जो भी मन चाहे ना वैसे कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि डार्क के ऊपर लाइट शेड लगा सकते हो या फिर लाइट पेंट कीजिए ओवरऑल और उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क लगाइए। तो मुझे बनाना है कुछ तो खास जो है देगा हमें एक विंटेज वाला लुक। तो इसीलिए मैं ऑलमोस्ट शायद पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्राफ्टोलॉगर का ये ब्लैक कलर चॉक पेंट यूज़ किया है और उसे मैं अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कैसा ये एम्बॉसिंग इफेक्ट आएगा। नहीं नहीं, अभी तो जादू बाकी है। मैं क्राफ्टोलॉगर का ही ये बहुत ही प्यारा मेटालिक कलर यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं स्पॉन्ज से नहीं, ब्रश से नहीं, बल्कि हाथों से लगाऊंगी। तो एकदम से आपको थोड़ा सा लेना है, जस्ट उसका एक टिंट आपके हाथ पे उंगली पे आ जाए एंड देन यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट ऑन द जो ऊपर उभरा हुआ जो सर्फेस आया है, जो एम्बॉस सर्फेस आया है ना उसके ऊपर। तो आप उसके ऊपर लगाते जाइए, फिर जो कलर बच जाएगा उंगलियों पे उसको आप सिंपली इसके ऊपर घुमाइए। तो देखिए कितना सुंदर सा ये एक पैटर्न तैयार हो गया। और ये है मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ दिवाली का दिया। हाँ, मैं बोल नहीं रही हूँ बट ये मेरे पास एक्स्ट्रा ही है, इसीलिए आपको ये नया नया दिख रहा होगा। आप चाहे तो आपके पुराने दिए को अच्छे से साफ करके उसे ही पेंट करके रीयूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने चॉक पेंट लगाया है बेस में और उसके बाद क्राफ्टोलॉगर से ही लिया हुआ ये प्यारा सा गोल्डन कलर लगाया है। तो आपको अंदर से और बाहर से बहुत ही साफ एक आउटलाइन देनी है उसको। और ये देखो मेरे तीनों दिए रेडी है। और ये क्या है, चमचमाता हुआ। तो यहाँ मैंने लिए हैं मिरर्स और उनसे मैं एक बहुत सिंपल डिज़ाइन इसके ऊपर बनाऊंगी। तो ये कुछ नहीं, अंदर से आपको जैसे रंगोली निकालते हैं उसी टाइप से आपको सिंपल इन मिरर्स को पेस्ट करते जाना है। बनाने में बहुत सिंपल और दिखने में बहुत ही सुंदर ऐसा ये हमने दिया बनाया। तो मेरा बेस रेडी है, अब मेरे दिए भी रेडी है। तो मैं जो बनाने वाली हूँ ये एक वॉल डेकोर पीस है। आप चाहे तो आपके दिया जो है उसे इस तरह से आप लगा दीजिए या फिर इस तरह डायगोनल शेप में उसे लगा दीजिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं उसे एक के नीचे एक सीधा लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इट्सी बिट्सी का ही ये सिलिकॉन ग्लू यूज़ किया है एंड देन मैं उसे अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। क्राफ्टोलॉगर या इट्सी बिट्सी से आप अगर प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड जो यहाँ मेंशन किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी मैं, उसे ज़रूर यूज़ कीजिए तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं अभी वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। वार्निश इज़ मस्ट क्योंकि ये आपके जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है उन्हें डस्ट एंड डर्ट से प्रोटेक्ट करता है, उनका शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। तो देखिए कितने आसानी से पुरानी कबाड़ की चीज़ें यूज़ करके हमें एक बहुत सुंदर सा ये नया वॉल डेकोर पीस बनाए। आप चाहे तो इसे आपकी सेंटर टेबल पे एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट भी रख सकते हो या सिर्फ पीछे हुक लगा दीजिए और ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा वॉल डेकोर बन जाएगा। आई वुड सजेस्ट मेक अ पेयर ऑफ इट और ज़रूर आपके घर की शोभा बढ़ाइए।
आई नो आपको ये वाला आइडिया बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. डू कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. उसके साथ बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट DIY. अगेन मैंने यहाँ पे लिया है एक ये वेस्ट कार्डबोर्ड पीस और इसके ऊपर मैंने ड्रॉ की है एक प्यारी अफ्रीकन लेडी. ओके, तो इसका आउटलाइन मैंने बना दिया है एंड देन विद द हेल्प ऑफ कटर एंड दिस सीजर मैंने इसे अच्छे से काट दिया है. तो अभी इसके हालत अगर आप देखोगे तो बहुत ही ख़राब है ये कार्डबोर्ड की. मेरे पास घर पे जो भी कार्डबोर्ड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, तो जो भी बचे कुचे जो पीसेस है उसमें से ही मैं कुछ ना कुछ अच्छे से बना रही हूँ. तो ये देखो उसका सरफेस बहुत गंदा हो गया है, खतरनाक नहीं गंदा हो गया है, तो इसलिए मैं उसे कवर कर रही हूँ इस तरह फेविकॉल लगा के टिश्यू पेपर से कवर करके. अगेन वी आर गोइंग टू हाइड दीज रफ एजेस. यहाँ पे भी मैं अच्छे से फेविकॉल लगाऊंगी एंड ओवरऑल उसे सील कर दूंगी. देखो ऐसे स्मूथ एजेस आपके आने चाहिए. इसे अच्छे से सूखने दीजिए, देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ मैं इस अफ्रीकन लेडी के जो बॉडी है उसे आउटलाइन कर रही हूँ. आउटलाइन क्यों करना है, ताकि उसको एक डेफिनेट शेप आ जाए और जो भी हमें इसके अंदर करना है वो अच्छे से प्लेस हो जाए. तो यहाँ मैंने एयर ड्राइक ले लिया है और इसे मैं यहाँ फेविकॉल की हेल्प से लगा रही हूँ. आप चाहे तो कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड का एयर ड्राइक ले लीजिए, फेविक्रिल मोल्डेड है, या फिर एकदम सीधा सीधा आप हार्डवेयर शॉप में जाइए, वहाँ से आपको एमसील मिलेगा. ओके, तो एमसील भी आप यूज़ कर सकते हो, नो वरीज. तो यहाँ हमारी आउटलाइन रेडी है और उसके बाद मैंने जो एयर ड्राइक ले वो लिया और उसका जो फेस है उसे मैं वही भी बनाने वाली हूँ. तो अगेन आपको मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास का जो स्टॉक है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने आया है. मुझे ग्रीन पेंट्स लाने थे, वो भी लाना रह गया है मुझसे. मेरे कार्डबोर्ड भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं और अब ये देखो जो मेन हमारा काम होता है जिससे एयर ड्राई क्ले से, तो वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है. मतलब क्या, अभी ख़त्म हो ही गया है. तो आप देखोगे मैं इतना चिंगूपना कर रही हूँ ना, इतना छोटा छोटा मतलब एक एक तिनका भी होता है ना, तो वो यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे ये वाला DIY करने में कहीं पे भी कमी ना मिले. तो अब अच्छे से मैंने इसके आंखें आईब्रोज नाक और लिप्स बना दिए हैं. ये भी सूखने रखेंगे. तब तक ना इसका जो क्राउन है, क्राउन नहीं बोल सकते, मतलब इनका जो टर्बन होता है ना वो पहनते हैं, उसे बना रही हूँ. तो उसे एक हाइट देने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा यहाँ पे चिपका दिया है और उसका टर्बन बनाने के लिए मैंने इस तरह से क्ले की पट्टियाँ बना दी है. तो ज़िगज़ैग वे में एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए मैं उसे लगा रही हूँ. आप देखोगे यहाँ मेरा जो कंजूसपन है ना, तो मैं जितना भी देखो छोटा छोटा सा क्ले का टुकड़ा बच रहा है वो भी निकाल रही हूँ कि भाई नहीं नहीं ये वाला DIY बहुत ही बेहतर और सुंदर बनना चाहिए. तो हमारी अफ्रीकन लेडी का ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, जिसमें उसका फेस, उसका टर्बन और ये बॉडी आउटलाइन रेडी है. अब उनको एक अच्छा सा बहुत सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस देने के लिए हमारे पास एयर ड्राई क्ले तो है नहीं बचा हुआ, तो यहाँ मैं हमारी मार्बल पाउडर 3D कोन आउटलाइनर को ही यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से थोड़े से आउटलाइंस, थोड़े से एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रही हूँ. अब जो मेरे पास बचा हुआ था क्ले, उसमें से मैंने कुछ इस तरह से बीड्स बना दिए. कुछ नहीं, सिंपल गोले बनाइए और उसको पोक करते जाइए. तो उसे मैं फेविकॉल की हेल्प से एक एक करके यहाँ पे पेस्ट करती जाऊँगी. तो ये देखो उनकी एक ट्रेडिशनल सी ड्रेस तो रेडी है. अब उसको मैचिंग करने के लिए मैंने कुछ क्ले से ही टैसल्स बनाए हैं और कुछ इयररिंग्स बनाए हैं. तो इनको सबको यूज़ करके हम उन्हें बहुत सुंदर बनाने वाले. तो ये देखो मैंने यहाँ पे जो मैं अगेन एक विंटेज एक ट्राइबल लुक देने वाली हूँ, उसके लिए मैं यहाँ फिर से ब्लैक चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ और देन ब्लैक डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन एंड गोल्डन कलर, इस तरह से एक कलर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे मैं इसकी ड्रेस को और उनके जो ये टैसल्स एंड इयररिंग्स है उसे पेंट कर रही हूँ. तो उनके टर्बन पे भी मैं रैंडमली कुछ स्ट्रोक्स लगा रही हूँ गोल्डन कलर से, ताकि वो एक बहुत ही सुंदर सा एक सैटिन टाइप फिनिश दिखे. ये वाला DIY मुझे पिंट्रेस्ट से इंस्पायर किया है. वहाँ पे वो जो आर्टिस्ट थी उन्होंने ऐसे ही मतलब इयररिंग्स बनाए थे, नेकलेस बनाया था, लॉकेट बनाया था, की चेन्स बनाए थे, मतलब इतने सुंदर. सिर्फ अफ्रीकन लेडीज़ और वहाँ के जो उनके मुखिया या राजा होते हैं उस ट्राइब के, उनको बनाया था.
इतना सुंदर, देखिए बिल्कुल ऐसा ही, नहीं नहीं ये तो मैं इंस्पायर होके बना रही हूँ, बट वो ओरिजिनल आर्ट काफ़ी काफ़ी सुंदर और बहुत ही एलिगेंट था। तो यह मेरा सारा पेंटिंग काम हो गया है, टैसल्स को चिपकाना हो गया है, देन द फाइनल स्टेप दैट इज़ ऑफ अप्लाइंग द वॉर्निश। तो वॉर्निश से पक्के से आप आपकी आर्टिफैक्ट्स को सील करते जाइए एंड वो शाइन भी करेगा और प्रोटेक्टेड भी रहेगा। तो कुछ इस तरह से मेरी ये ब्यूटीफुल सी ट्राइबल अफ्रीकन लेडी रेडी है। इसे एज अ फ्रिज मैग्नेट या फिर वॉल डेकोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो पार्टनर है उसे मैं जल्दी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक देखते रहिए लेट्स DIY विद केतकी। दैट इज मम्मा का जादू। उसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको और उसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल देखना पड़ेगा। अगर झाला माझा व्हिडिओ बनवून तू बघ आता। अगं पण कसं केलंस हे बघ आवाज मी ह्याला मार्बल पावडरचं जे माझ्याकडे होतं मी सेव्ह करून ठेवलं ना कोन, तर त्या कोननी मी असे इकडे छोटे छोटेसे लीव्स पहिले काढले ओके रफली आणि त्याच्यानंतर